प्रधानमंत्री पढ़ाओ और देश बचाओ। वायर क्या होता है? पॉलिटिकल वायर, कोई बताएगा? दो प्रधानमंत्री पढ़ाओ और देश बचाओ। क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है? पोस्टर देखे नरेंद्र मोदी जी के नाम के, देश के प्रधानमंत्री के पोस्टर है गुमशुदा के तलाश के। कहां का सत्य में भाजपा के राज में शौचालय का घोटाला होता है आप। लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। देखिए, ये तो आज इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब का संविधान, उसको तार तार करने का काम भाजपा करती है। लेकिन ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं इस घटना का कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। कहाँ का सत्यमेव जयते। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर एक बार उंगली उठी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी चीफ है, उनके ऊपर हमला हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ये सीधे सवाल उठाती है। जिस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर फायरिंग हुई, क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर या कहीं पर भी कोई व्यक्ति भाजपा के खिलाफ नहीं बोल सकता? जिस तरीके से लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, लगातार डे बाय डे ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसको देख भाजपा बौखलाहट में पड़ गई है। क्योंकि एक नई पार्टी बनाने वाला नौजवान साथी, जिसने आपने देखा कि बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल कर लिया है, जिसको देख शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कलेजे की दिल की धड़कन रुक गई है, जिस कारण भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर फायरिंग होती है और वो उस फायरिंग के दौरान बाल बाल बचे हैं, क्योंकि उनके साथ लाखों करोड़ों नौजवानों की, उनके साथ में दुआएं हैं, लाखों करोड़ों माताओं की दुआएं उनके साथ है, जिन दुआओं ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को बचाने का काम किया। दिल्ली में भी चंद्रशेखर आजाद के जो समर्थक जब अमित शाह के घर के बाद घेराव करने आए तो उनको भगाया गया बहुत बुरी तरह से। देखिए, ये तो आज इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब का संविधान, उसको तार तार करने का काम भाजपा करती है। इस देश का संविधान हर एक व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने की, प्रदर्शन करने की आजादी देता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि मौजूदा शासनकाल में बैठी सरकार, जिसने लोगों की आवाज को बंद करने का काम किया है, लोकतंत्र को जो है वो हटाने का काम किया है और लोकतंत्र के जो अधिकार हैं उनका हनन करने का काम किया है। कहा जाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस लोकतांत्रिक देश के गृहमंत्री लोकतंत्र वाले लोगों की बात ही ना सुने, जब मणिपुर वाले लोग पहुंचते हैं गृहमंत्री के घर के बाहर तो गृहमंत्री उनकी बात नहीं सुनते हैं, जब चंद्रशेखर आजाद के ऊपर फायरिंग होती है तो उनके लोग वहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो भी नहीं सुनते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। आपको पता नहीं होगा कि क्रिमिनल कब किस भेस में आ जाए, क्या पता क्रिमिनल पत्रकार का भेस लेकर आ जाए, क्या पता क्रिमिनल वकील का भेस लेकर आ जाए, क्या पता क्रिमिनल आपकी बाइक पर आके, गाड़ी पर आके आपके गाड़ी पे ऊपर फायरिंग कर दे। आज उत्तर प्रदेश की, जिस तरीके से देश के गृहमंत्री, देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि भैया उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे भी बहन बेटियां गहने जेवर पहनकर निकल सकती हैं, ये स्थिति है कि लोग बिना गहने जेवर के घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्या आज उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर सिर्फ जो मोदी जी की तारीफ करेगा, योगी जी की तारीफ करेगा, बस वही रहेगा? क्या विपक्ष की इस देश में कोई जरूरत नहीं है? ये बताइए, आज अगर हम मोदी जी से सवाल करते हैं, आज अगर हम योगी आदित्यनाथ से सवाल करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि हम हिंदू विरोधी हैं। भैया, हम राम को भी मानते हैं और हम संविधान को भी मानते हैं, लेकिन आप हमें हिंदू विरोधी क्यों करारते हैं? सबसे बड़े हिंदू विरोधी तो भाजपा के लोग हैं, जिन भाजपा की सरकार के राज में केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल बन जाता है, जिस भाजपा के राज में राम मंदिर का घोटाला होता है, जिस भाजपा के राज में शौचालय का घोटाला होता है। आप सोचिए, आप कैसे हिंदुओं की बात करते हैं, जिस भाजपा के राज में हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, जिस भाजपा के राज में हिंदुओं की बेटी का सब रातों रात जला दिया जाता है, जिस भाजपा के राज में हिंदू की बेटी को नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली के अंदर खदेड़ा जाता है, जिस भाजपा के राज में देश के किसान, देश के प्राणदाता, अन्नदाता को आप देख रहे हैं किस तरीके से बेरहमी से मारा जाता है, वाटर कैनन से पानी छोड़ा जाता है, आंसू गैस के गोले तागे जाते हैं। कहा जाता है उत्तर प्रदेश में दूरबीन से भी क्रिमिनल नहीं दिखाई देते। भैया, उत्तर प्रदेश में आप दूरबीन की बात कर रहे हो, आपको सड़क पर देखा नहीं? जब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? जरा मुझे सवाल का जवाब। आज एक सबसे बड़ी खबर है कि राहुल गांधी जब मणिपुर गए तो उनको रोक दिया गया। देखिए, इस वक्त में विपक्ष के जितने भी नेता हैं सभी की आवाज दबाने का प्रयास भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार बौखलाई पड़ी है और भाजपा सरकार सोच रही है कि साल 2024 से पहले कैसे भी करके विपक्ष को पैक कर दें। कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय सोनिया गांधी जी के पीछे रखती है, कभी माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे रखती है, कभी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पीछे रखती है, तो कभी माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पीछे रखती है। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता, कभी मनीष सिसोदिया को अंदर किया जाता है, कभी सत्येंद्र जैन को अंदर किया जाता है, कभी लालू प्रसाद यादव को अंदर किया जाता है, तो कभी आपने देखा कि सोनिया गांधी के ऊपर ईडी की जांच बैठती है, कभी राहुल गांधी के ऊपर बैठती है। तो जो जिस तरीके से देश की जो सत्ताधारी पार्टी है वो इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित करना चाहती है, जब आज राहुल गांधी मणिपुर के लिए निकलते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। क्यों?
क्यों रोका जाता है, किस लिए रोका जाता है, उसके बाद खराब हो जाएगा, उसके बाद अरे माहौल खराब हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री वहां जा नहीं रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के पोस्टर लगा दिए वहां पर, गुमशुदा की तलाश के पोस्टर देश के प्रधानमंत्री के वहां पर लगे हुए हैं मणिपुर के अंदर, आप जाकर देखिए। जब प्रधानमंत्री वहां जाएंगे नहीं, वहां पर एक महीने से लोगों की हालत बद से बदतर है, वहां पर आप सोचिए लोग पलायन कर रहे हैं, वहां पर लगातार नेट सेवा को बंद किया गया है, लोगों को पता नहीं चल रहा मणिपुर में क्या चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर आए, मध्य प्रदेश में चुनावी रैली का बिगुल फूंक के आ गए, क्या प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है कि प्रधानमंत्री जाए मणिपुर? क्या मणिपुर भारत देश का हिस्सा नहीं है? बताइए आप मुझे, या मणिपुर में चुनाव नहीं तो प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे? प्रधानमंत्री वंदे मातरम ट्रेन को, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पसमानदा मुसलमानों की जाति बताते हैं, देश के प्रधानमंत्री मस्जिद के अंदर घुसते हैं मिस्र की मस्जिद में, क्या प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं कि मणिपुर चल रहा है उसको देख ले? कोई पूछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि जिन आप हिंदुओं की बात करते हो उनके मंदिर में जाते हो तो बड़े कैमरे शैमरे लेके जाते हो, मिस्र की मस्जिद में कहे गए? भाई आप तो कहते हो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो मिस्र की मस्जिद में कहे गए, क्योंकि आप सिर्फ आम जनता को लड़ाने का काम करते हो। इनको ये नहीं पता होगा कि हमारे धर्म में लोगों को कैसे बांट रखा है, हम मुसलमानों की जाति बता रहे हैं, और मुसलमानों की इतनी जाति बता रहे हैं कि मुझे तो यही लग रहा है कि मोदी जो कहते थे ना मैं पठान का बच्चा हूँ, अब समझ में आ रहा है जातियाँ कैसे गिना रहे हैं गुरु, धड़ाधड़ गाड़ियाँ जातियाँ गिना रहे हैं कि जोगी होते हैं पसमानदा मुसलमान होते हैं। नॉलेज तो हमने देख ही ली है, नॉलेज देखी नहीं कैसी नॉलेज है उनकी, नॉलेज इतनी ज़बरदस्त है कि अमेरिका में ऐसी इंग्लिश बोली कि अमिताभ बच्चन भी नमक हलाल वाले देखकर शर्मा गया होगा कि ये तो मेरे से ज़बरदस्त कॉमेडी कर रहे हैं मोदी जी वहाँ पर। पॉलिटिकल वायर क्या होता है, पॉलिटिकल वायर कोई बताएगा? दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लगे होने के बावजूद जब देश के प्रधानमंत्री एक देश के प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सही बात ना बोल पाए तो क्या कहेंगे? एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कहता हूँ पहले प्रधानमंत्री पढ़ाओ और देश बचाओ। नहीं पहले प्रधानमंत्री को पढ़ाओ आज, अरे टंक स्लिप कहाँ, हर जगह टंक स्लिप है, हर जगह टंक स्लिप कह देंगे। दो दो टेलीप्रॉम्प्टर लग रहे थे, पॉलिटिकल वायर बोला है उन्होंने, समझ रहे हैं आप? ऑब्जेक्टिव वायर तो सुना भी है पूरे देश ने, पॉलिटिकल वायर क्या होता है जरा आप ही समझा दो, आप तो मोदी जी की भक्ति में लीन हो। नहीं तो क्या है पॉलिटिकल वायर? छोटी मोटी मिस्टेक, ये छोटी मोटी मिस्टेक है। वो गर्ल्स को लेकर क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है गर्ल्स को लेकर, कह दो वो भी छोटी मोटी मिस्टेक है। इतनी भक्ति में लीन मत होइए, मुझे पता है आपके घर का खर्चा चलता है मोदी जी से, ठीक है ना, हमारा नहीं चलता है, हमें मत सिखाइए आप ये सब चीज़ें कि छोटी मोटी मिस्टेक है। मैं कहता हूँ पहले प्रधानमंत्री को पढ़ाओ, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो आप तो चाहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री चले इस देश को। प्रधानमंत्री को टारगेट करते हो सारे दिन, तो किससे पूछूं, जो बाइडेन से जाके सवाल पूछूं हैं, जो बाइडेन से सवाल पूछूं? आज जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं पर फायरिंग हो रही है एक बड़ा सवाल है, और मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री चुने तो पढ़ा लिखा चुने। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।